गाजियाबाद के मसूरी इलाके में इनफॉर्मल की सेटिंग। सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस ने घर से लाखों रुपए की अवैध दवाई बरामद की है। हालांकि इस कार्रवाई से पहले आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जो मकान आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मकान मसूरी के रफीकाबाद में है। इनफॉर्मर के द्वारा लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि एक घर से अवैध तरीके से दवाइयों का स्टॉक गई जगह पर सप्लाई किया जाता है। कि सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। फिलहाल पूरी दवाई का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। डॉक्टरों का कहना है कि जांच के दौरान ये पता चलेगा कि दवाइयों की गुणवत्ता सही है या नहीं, पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से संवाददाता वीनू महलोरिया की रिपोर्ट। सर, कुछ दासना में कुछ दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, कैसी दवाइयाँ हैं और किस तरह सूचना मिली, कितनी कीमत की दवाइयाँ होंगी? हाँ, दासना में ये सूचना मिली, वहाँ पे कुछ दवाएँ अवैध रूप से रख रही हैं और अवैध रूप से मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है, जिसके क्रम में मैं वीरेंद्र कुमार सहायक आयुक्त औषधि और मैं अपने अधीनस्थ श्री अनुरोध कुमार और श्री निर्देशक गाजियाबाद को निर्देशित किया कि वहाँ पर तत्काल पहुँचे और फिर बाद में मैं भी पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद वो उस मकान में जो मकान मालिक जो है वहाँ पे हारून मिले, हारून के मकान पे कुछ दवाएँ प्राप्त हुई जो कि लगभग 40 प्रकार की दवाएँ हैं और उसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है। जी जी। और उनके पास कोई मौके पर लाइसेंस नहीं दिखाया गया। जी जी। अवैध रूप से भंडारित पा गई जिनको सीज कर लिया गया है फॉर्म 16 पे। जी। और उसमें से 4 प्रकार की औषधियों के नमूने एकत्र कर जाँच भेजे जा रहे हैं जो कि नकली होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और हारून से पूछने पर ये दवाएं आपके पास कहां से आई, उन्होंने यह अवगत कराया कि सद्दाम सना मुश्ताक पोस्ट ऑफिस गौसपुर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उनकी दवाएं हैं और मेरे मकान में रखी हुई पाई गई। तो मौके पर उपस्थित हारून से ही हम लोग बरामद करके उक्त अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर विवेचना के अंतर्गत करने पर सद्दामपुर तक पहुँचा जाए, पहुँचने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी और सीज करते हुए और नियमानुसार अगली कार्रवाई के लिए कंप्लेन ले जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन